कितना एकदम अच्छा अच्छा पत्ता है देखिए नीम का, और ऐसे ही पत्ता का जरूरत पड़ता है सब्जी बनाने में। आज हम लोग बनाएंगे तीता साग का सब्जी। चलो तीता साग, तीता साग, तीता साग में। हाँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह हो गई है और अभी देखिए सुबह सुबह हम लोग का चावल बन रहा है, बाकी भुंजिया काट रहे हैं हम लोग। हाँ सुबह सुबह देखिए आलू का भुंजिया काट रही है और उस तरफ मम्मी झाड़ू उड़ू लगा रही है। और आज दोस्तों ये बोल रही है नीम छिटकी बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग का नीम का पत्ता का जरूरत पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं नीम का पत्ता लाने, और ये अभी आलू को काट रही है। तो ठीक है, काट दीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों अपना ही खेत तरफ नीम का पेड़, तो वहीं से ले आएंगे नीम का पत्ता। तो अभी इधर आ गए दोस्तों, रात में इतना हवा चला था कि महुआ का जितना भी पत्ता था दोस्तों देखिए मेरा बारी में कैसे एकदम बिखर गया है पूरा। और अभी गया बच्चा सबको सुबह सुबह ला के खूटे हुए हैं इधर, और इधर ही है बाकी, इधर इतना पत्ता है देखिए। तो ये सबको भी जब तक पूरा नहीं झड़ेगा तब तक जलाएंगे भी नहीं। और इधर देखिए दोस्तों मेरा कीड़ा, इधर देखिए इस तरह हवा के कारण कितना उलट पलट दिया है दोस्तों काफ़ी। और अभी मेरा खीरा यहाँ फलना भी शुरू हुआ है, देखिए फूल पकड़ा है और छोटा छोटा खीरा फरा है। तो देखिए लेकिन नुकसान यही कर रहा है, हवा चल के लर सबको इधर उधर प्लाट दे रहा है, वही काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो चलिए ये सूख भी गया है तो सिंचाई शाम में आके कर देंगे। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल नीम का पत्ता तोड़ने। तो देखिए इधर ही तीन नीम का पेड़ है, लेकिन ताज़ा ताज़ा ही वाला है, तीसरी से भी तोड़ना पड़ेगा, बाकी पेड़ ऐसा है कि चढ़ना मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं अगर चढ़ पाएंगे तो। दोस्तों पेड़ के सामने आ गए हैं और पेड़ ऐसा है दोस्तों कि ये चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, काफ़ी मुश्किल होगा दोस्तों, क्या है कि पूरा सीधा है, यहाँ चढ़ नहीं पाएंगे। और वो सब पेड़ में चढ़ पाएंगे लेकिन वो सब में बूढ़ा बूढ़ा पत्ता है दोनों में, ये वाला में भी है और वो वाला में है, वो सब तोड़ के ले जाएंगे भी ना तो खुशी मम्मी गाली देगी, बोलेगी बूढ़ा पत्ता लेके आया है। तो यही वाला पेड़ हमको चढ़ना पड़ेगा, कहे कि ये वाला में हरा हरा और ताज़ा पत्ता भी जो नया पत्ता है वो सब अभी निकल रहा है। तो चलिए अभी ये इसे तो चढ़ नहीं पाएंगे तो कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, तो चलिए उधर से कुछ लाते हैं। अभी दोस्तों देखिए एक बांस खोज के लाए हैं, तो चलिए बांस को खड़ा करते हैं, ये वाला बांस को खड़ा करेंगे, इसी के सहारे अभी चढ़ेंगे। बांस को खड़ा कर दिए हैं दोस्तों और बांस में ही अभी चढ़ेंगे ऊपर। तो चलिए अभी हम चढ़ते हैं, लेकिन बांस भी लपक लपक कर रहा है दोस्तों, बांस भी लग रहा है कि उतना हार्ड नहीं है, पूरा एकदम कमज़ोर लग रहा है। तो चलिए किसी तरह देखते हैं अगर चढ़ पाते हैं तो। तो अभी किसी तरह हम पेड़ के ऊपर आ गए हैं दोस्तों, और अभी देखिए कितना एकदम अच्छा अच्छा पत्ता है देखिए नीम का, और ऐसे ही पत्ता का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों सब्ज़ी बनाने में। देखिए पूरा ताज़ा ताज़ा और नया पत्ता है एकदम, पूरा मुलायम मुलायम देख सकते हैं, देखिए इधर भी मतलब बहुत ही पत्ता है। तो चलिए ऐसे ही छोटा छोटा सब देखिए ये ऐसे ही छोटा छोटा तोड़ लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। और काफ़ी है मुश्किल से अभी चढ़े हैं दोस्तों, ये बांस के सहारे चढ़े हैं एकदम, नहीं तो चढ़ ही नहीं पाते हैं। तो चलिए अभी तोड़ते हैं, चलिए फटाफट तोड़ेंगे, क्या है कि यहाँ लेट हो गया आते आते। देखिए क्या ही मस्त मस्त पत्ता है दोस्तों। अभी हम पेड़ से नीचे उतर गए हैं और देखिए कितना सारा पत्ता तोड़ लिए हैं दोस्तों। तो चलिए इसको हम चुनते हैं, चुन के ले चलेंगे घर, और ये बांस नहीं होता तो हम चढ़ी नहीं पाते और ले भी नहीं जा पाते। और सुबह सुबह बोली थी कि नहीं ले के आना है, सब्ज़ी बनाएंगे, तभी ताज़ा ताज़ा नीम का पत्ता मिल रहा है, इसीलिए आ गए हैं लेने के लिए। तो चलिए अभी हम चुन के ले चलते हैं, देखिए काफ़ी एकदम पत्ता तोड़ लिए हैं एकदम, इतना पत्ता हमें तीन चार बार हो जाएगा, और ज़्यादा पत्ता नहीं डालेंगे, इसको सूखा सूखा के रखेंगे और कभी कभी यूज करेंगे। पत्ता लेके अभी हम चल दिए हैं तो दोस्तों घर पहुंच गए हैं। तो लीजिए हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा एकदम, तीन चार दिन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर नहीं लीजिएगा, सुखा के रख देंगे। हाँ और जरूरत पड़ेगा तो लीजिएगा ना, उसके बाद फिर लाएंगे, अभी दूसरा पेड़ में नहीं लीजिएगा। हाँ। तो बनाइए अभी, है ना। हाँ। तो अभी दोस्तों अभी इधर चावल बन ही रहा है, चावल बन जाएगा उसके बाद नीम छिटकी बनाएंगे। तो अभी आराम से तोड़ तोड़ के रखिए अभी। तो देखिए दादी अभी मार पसाने जा रही है कि हो गया। हाँ हो गया। तो देखिए भाई गलो। हाँ।
हो गया दोस्तों। तो देखिए अभी दादी उतारने जा रही है। देखिए दादी अंदर कर दी और बाकी अब सब्जी बनेगा। तो चलिए फटाफट तोड़िए। हाँ तोड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सूरख रही है, इसी तरह करके बाद में अभी सब्जी बनाएंगे। देखिए दोस्तों सूरख सूरख के अभी सूप में रख रही है, बाकी अभी मम्मी आके अभी झाड़ू लगा दे रही है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए जितना भी पत्ता सब है सभी को सूरखते हैं और जो मोटा होगा उसको दतन बनाएंगे। दतन करने के लिए ऐसे तो यहाँ नहीं होगा, सब पतला पतला है ना। तो देखिए अब दादी ला रही है, दादी जी सुरखेगी। और यही है दोस्तों जंगली साग, एकदम पेड़ वाला तीता साग। तो आज हम लोग बनाएंगे तीता साग का सब्जी। इरा लाओ तीता साग। तीता साग, तीता साग नहीं हाँ। इरा खाई चाहिए हाँ। तो देखिए अब दादी जी संग लगी। अब देखिए दोनों मिलके कैसे सुरख रही है। खाए पारे आप गाड़ी मिले खावे तो आप गरीब ले खाए ले रख लाए ना आन लाए ना कि ना आन लाए। तो दादी बता रही है खाने के लिए लाए हैं तो अपन खावे करेंगे ना। तो चलिए सभी को अपन सूरज के निकाल लेते हैं पता सब दोस्तों। इसको पीने से भी अच्छा रहेगा। सुबह सुबह पिएगी तब ना हाँ। सुबह सुबह पीस के पियो पूरा, जितना भी इसमें होता है ना दोस्तों शुगर भी रहेगा ना वो भी भाग जाएगा। आ गए हैं थोड़ा धोने के लिए दोस्तों हौदा के सामने, और यहाँ भी पानी काफ़ी कम है, बाकी नीचे सिंचाई भी करना है तो ये सब साफ भी करेंगे। तो चलिए अभी पहले धो लेते हैं। अभी थोड़ा हम मुँह धो के आ गए हैं और अभी देखिए पत्ता सब भी पूरा सुरख ली है और बाकी वाला का की भूंज दी हाँ भून ली। तो अभी भूंज के अभी तेल उल डाली है दोस्तों हाँ। मिर्ची डालने के लिए जा रहे हैं। मिर्ची देखिए अभी डाल दी और अब आलू डालेगी। पत्ता पहले डालेंगे जी। पत्ता सब डालेगी तो यही वाला है दोस्तों तीता साग, यानी वो वाला है। इसको अभी भून के पूरा सुखा के देखिए पूरा एकदम महीन टाइप कर दिए है ताकि खाने में थोड़ा ज़्यादा कड़वा ना लगे हाँ। तो देखिए डालिए। तो देखिए अभी डाल दी। देखिए अब इसको भूंजेगी, उसके बाद दोस्तों आलू का भुंजिया टाइप का बनाएंगे। और यही हो गया तीता साग का सब्जी, बाकी आलू और तीता साग यानी नीम का पत्ता के साथ एकदम नीम के पत्ते के साथ अभी ये सब्जी बनाएगी। बाकी देखिए अब पूरा भुंजा गया पूरा, अब आलू डालने के लिए जा रहे हैं हाँ। पूरा एकदम माड़ भात और आलू का भुंजिया यानी तीता साग आलू का भुंजिया, इसको हम लोग नीम चिटकी बोलते हैं दोस्तों। कहीं तीता साग ऐसे ही वो तीता लगता है इसलिए तीता साग बोल रहे हैं, लेकिन ये नीम चिटकी है हाँ। ये नीम चिटकी अभी ये भुंजाए के बाद माड़ भात के साथ खाने में काफ़ी एकदम मज़ा आता है। और ये मतलब हर साल 4-5 दिन खाना चाहिए, इसमें पेट में जो बीमारी रहता है ना वो दूर भी होता है और प्लस में कीटाणु जीवाणु जो कुछ भी रहता है वो सब मरता है। तो देखिए अभी हम भूंज रहे हैं, बाकी इसको दोस्तों सुखा के भूंजी, नहीं तो ये वाला अभी धूप में छोड़ देंगे, ये सूख जाएगा तो फिर इसको पूरा एकदम छोटा छोटा मैश के पूरा रख देंगे और इसको फिर भूंजना नहीं पड़ेगा, फिर तेल में डालेंगे और जिस तरह अभी किए हैं उसी तरह बनाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं दोस्तों, अब भुंजाएगा, बाकी यहाँ कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ सिर्फ नमक डालेंगे, बाकी बन के तैयार हो जाएगा है ना। तो देखिए आँच हम लोग को लग नहीं रहा है, थोड़ा फूक फूक के अभी जला रही है, हवा लगा रही है लकड़ी सबको हाँ। दोस्तों अभी खुशी की मम्मी चली गई पैसा रखने के लिए यानी महिला मंडल, और अभी दादी बना रही है सब्जी। तो देखिए अभी नमक डाल रही है, नमक भी तीता लगता है दोस्तों और वो पत्ता भी तीता लगता है, लेकिन नमक का तीता कुछ अलग है और ये थोड़ा कासा टाइप का यानी कड़वा लगता है काफ़ी। तो देखिए अभी नमक डाल दी और अभी भुन जाएगा, उसके बाद हम लोग का सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। और ऐसा सब्जी खाना चाहिए साल में एक बार। नीम छिटका हाँ, एकर में किना देते हो हाँ, एकर में पेट के रोग मरे है। पेट के रोग मरे हाँ। तो दादी हम लोग पहले भी खाती थी तो अभी बता रही हूँ, बाकी अब सब्जी बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा देर और छोड़ देते हैं, उसके बाद माड़ भात के साथ खाएंगे एकदम अच्छा से। चलिए अभी इसको भूनते हैं अच्छा से। तो देखिए अब जलने लगा बहुत ही अच्छा।
अब जी बनता ही था और हम चल गए थे नहाने, और नहाने के बाद अभी आए हैं दोस्तों। तो इधर देखिए, खुशी मम्मी और मम्मी दोनों खाना शुरू कर दी है। मम्मी का तो ख़त्म ही हो गया देख सकते हैं। और अभी हम देखिए ले लिए हैं दोस्तों माड़ भात, और इस तरफ नीम छिटका देखिए। यही है दोस्तों तीता साग का सब्जी, आलू और साग का, ये नीम का, तो नीम छिटका है दोस्तों। नीम छिटकी बोलते हैं, तीता साग बोलिए, जो बोलिए बस है। बाकी देखिए सब खा रहे हैं। तो कैसा लगा आज? अच्छा लगा, अच्छा लगा। पूरा एकदम मजा ना है। तो चलिए अभी खाते हैं। तीता लगता है। तो दोस्तों खाना खा के अभी आ गए हैं खीरा बारी, देखिए इस तरफ खीरा। और क्यों आए हैं दोस्तों? तो इसका अभी सिंचाई करना है, इसीलिए अभी आए हुए हैं। तो देखिए इस तरफ डिलीवरी बिछा लिए हैं, सिर्फ मोटर चालू करना है। और उससे पहले दोस्तों देखिए इधर पत्ता सब पूरा एकदम इधर गिर गया था, तो खुशी मम्मी पहले ही आके देखिए जमा की है, झाड़ू लगा लगा के, और ये सब को ये डब्बा से हटाएगी। और अभी नीचे तरफ देखिए पूरा झाड़ू लगा रही है। तो चलिए अभी मोटर चालू करके आते हैं, और ये वाला अभी इस तरफ सिंचाई करेंगे, बाद में इधर आएंगे, तब तक हटा देगी। तभी हम जा रहे हैं मोटर चालू करने। दोस्तों स्टार्ट करके आ गए हैं, और अभी पानी मेरा देखिए इधर आ गया है, अभी जा भी रहा है दोस्तों, देखिए उसमें अभी पट रहा है। और तुम्हारा हो गया पत्ता खाली किया? तो पत्ता का साफ कर ली दोस्तों, अब घर जा रही है। ठीक है जाओ। तो चलिए अभी हम सिंचाई करते हैं, देखिए इधर पानी एकदम भर गया इसमें। तो चलिए एकदम सिंचाई करते हैं दोस्तों। सिंचाई किया हो गया, देखिए इधर एक नाला बचा हुआ है, तो अब हो ही जाएगा। और इस तरफ पूरे में सिंचाई कर लिए हैं, तो चलिए इसको भी बांध देते हैं और चलेंगे घर दोस्तों। देखिए यहाँ बांध दिए, अब जाने लगा पानी उस तरफ। और ये कटहल का पेड़ है, इससे बहुत ही पत्ता गिरा है देखिए कैसे। तो चलिए अब ये वाला पट जाएगा, तो चलते हैं घर दोस्तों। आ गए, और अभी यहाँ पे मोनिका और खुशी मम्मी देखिए बर्तन साफ कर रही है दोनों। अरे उधर डुबाओ मत, देखिए मोनिका डुबा दे रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ कितना सारा बर्तन एकदम धो रही है, और देखिए मोनिका डांटी में बर्तन उठा रही है पानी। और मम्मी शाम शाम में देखिए इस तरह अभी बकरी चरा रही है। तो चलिए दोस्तों अब खाना बनेगा, और हम आ गए हैं अब, और सिंचाई भी हो गया। और आज बहुत ही स्पेशल सब्जी बना था दोस्तों, तो आप देखवे किए, अब अभी कैसा बनेगा पता नहीं। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।